हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 8 कॉन्टिन्यूटी में है, जिसमें बेटा हम आपकी एक्सरसाइज 8th A कर रहे हैं, जिसमें बेटा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन डन करवा दिया था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला। हमने y² = 4ax पैराबोला लेना है, यानी कि हमें राइट हैंड पैराबोला लेना है, ठीक है। बाउंडेड बाय द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम के द्वारा वो पैराबोला बाउंडेड होना चाहिए। मान लो बेटा ये मैंने एक बना लेना है, सबसे पहले तो पैराबोला, कौन सा पैराबोला चाहिए मुझे, राइट हैंड पैराबोला चाहिए। ये लो मैंने राइट हैंड पैराबोला ले लिया, ठीक है, और ये मैंने लगा दिया लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। ये मुझे पैराबोला चाहिए था राइट हैंड, और ये मैंने बना दिया उसका लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम का नाम क्या है, x = a, ये लेटेस्ट रेक्टम की ना इक्वेशन होती है। और ये पॉइंट, ये जो इधर होता है वे ये होता है s, इस पॉइंट का नाम s होता है, और ये a, 0 होता है। तो इसने मुझे क्या बोला, मुझे एरिया निकालना है पैराबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम से बंद होना चाहिए। तो ये लेटेस्ट रेक्टम से ही तो बंद है, तो मुझे सारे का सारा एरिया निकालना है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला ही। अगर मैं इतना एरिया निकाल दूँ तो नीचे वाला तो खुद ही निकल जाना है, इतना एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वाला भी खुद ब खुद निकल जाएगा। यानी कि अगर मैं इतना सा एरिया निकाल दूँ तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, समझ में आई आपको इतनी सी बात, ठीक है। अब देखो मैं ना पता है क्या करूँगी, मैं इसको वर्टिकल स्ट्रिप से निकालूंगी। किस किस स्ट्रिप से निकालूंगी, वर्टिकल स्ट्रिप से। कौन से स्ट्रिप से निकालूंगी, वर्टिकल स्ट्रिप से, यानी कि मैं जो लिमिट्स लूंगी वो एक्स एक्सिस की लिमिट्स लूंगी। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका x = a है, यहाँ पे a पॉइंट है आपका, ठीक है, ओके, यहाँ पे a पॉइंट है आपका। तो मतलब आपने क्या करना है, आपने वर्टिकल स्ट्रिप्स लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे लेनी है लिमिट, ठीक है, यहाँ से शुरू करनी है और यहाँ तक मुझे x की लिमिट चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, तो मुझे क्या करना है, मुझे एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया, मुझे एरिया कैसे निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका नाम भी दे दो, इसको मैंने एल दे दिया, इस पॉइंट का नाम, तो यहाँ पे इसको ओ दे दिया, तो ओ एस एल, यानी कि इतना सा एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, उसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारा एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ओ एस एल, ठीक है, ओ एस एल का एरिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, 2, ये इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक, x का पहला 0 यहाँ से लेके a तक, 0 से लेके क्या जाएगा a तक, ठीक है। यहाँ पे पता क्या लगता है, y dx लगता है, क्योंकि जब आप वर्टिकल स्ट्रिप के साथ काम करते हो तो यहाँ पे क्या लगेगा, y dx, क्या लगेगा यहाँ पे, y dx, ठीक है। अब आपने y की वैल्यू क्या निकालनी है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y² = 4ax दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, y² = 4ax दिया हुआ है। तो आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाल देनी है, जो कितनी निकल जाएगी, √4ax, और ये y की वैल्यू आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से उठाई y की वैल्यू और यहाँ पे डाल दी, जो कितनी है, 4ax dx, ठीक है, ओके। अब देखो मुझे क्या करना है, 2√0 से लेके a तक, क्या मैं 4 को ऐसे ऐसे और ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो आगे 2, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है ना, तो मैंने इसको 2 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इतना सा करने बाद अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा √a and √x, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, √a and √x बच गया, ठीक है। तो ये 4, अब ये √ab बाहर निकाल दो, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, मुझे कांस्टेंट टर्म भी अंदर नहीं चाहिए होती है, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो ये मेरे पास क्या बच गया, x^(1/2dx) बच गया, ठीक है। 4√a है, x का मैंने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले लिया इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4√a x^(3/2) और ये 3/2 हो गया, ठीक है। 4√a × 2/3, इतना तो आपको अब ये पता ही होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, 8/3 x^(3/2) √a^(1/2), ये मेरा निकल गया इसका आंसर, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपने एरिया निकालना है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अभी आपने x के ऊपर सबसे लिमिट भी लगानी थी, 0 से लेके a तक लिमिट भी अप्लाई करोगे आप,
जब आपने एक्स के ऊपर लिमिट लगा दी, यहाँ पे मतलब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है ज़ीरो से लेके ए तक, इसके ऊपर, ठीक है, ज़ीरो से ए तक, तो ए रिमूव हो जाएगा, ये सारा आपका एक्स जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, इसका आंसर ऐसे निकल जाएगा 8/3 स्क्वायर। लिमिट तो आपको अप्लाई करनी आती है, मतलब वो तो बड़ा बेसिक सा फंडा है, ठीक है, लिमिट तो आपको आनी ही चाहिए, वो तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है लिमिट को निकालने में तो, ठीक है। अब आपका मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, मुझे एरिया निकालना है रीजन का, ऐसा पैराबोला चाहिए मुझे, राइट हैंड पैराबोला है, यहाँ पे ए नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए वन है इस केस में, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है और एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन है और एक्स इज इक्वल टू 4 लाइन है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, एक पैराबोला बना दिया, ठीक है, तो ये लो भाई, ये रहा मेरा पैराबोला, ये तो मैंने बना दिया एक पैराबोला। उसके बाद मुझे यह मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लो 4 है, तो यहाँ पे मैंने सीधी लाइन खींचनी है, एक यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है, हमें इन लाइंस के बीच का ये वाला एरिया निकाल के बताना है, समझ में आई बात। अब देखो जितना ऊपर है उतना ही तो आपका नीचे होगा, जितना आपका ऊपर है उतना ही आपका क्या होगा, नीचे होगा, है ना, होगा ना, तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने वर्टिकल स्ट्रिप से इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका x इज इक्वल टू 1 और ये क्या है आपका x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो ऐसे करके ये स्ट्रिप्स हैं मैंने लगा दी, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे स्ट्रिप्स लगा दी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका एरिया निकाल के बताना है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट निकालूंगी तो जितना एरिया ऊपर है उतना नीचे हो जाएगा, तो ये मैंने 2 लगा दिया। वैसे तो उसने ये भी नहीं निकालने के बोला कि नीचे वाला निकालो, उसने बोला सिर्फ ऊपर वाला निकालो, देखो किससे उसने बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इसमें जितना आता है बस वो निकालो, तो रूट, ठीक है, यहाँ पे 4 एक्स की लिमिट है, एक्स की लिमिट यहाँ से कितनी है 1, यहाँ से कितनी है 4, तो 1 से लेके 4 तक आ गया, यहाँ पे वाई डी एक्स आ गया, ठीक है। इक्वेशन कौन सी है आपकी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो वाई कितना निकल जाएगा, 2√x निकल जाएगा, ठीक है, तो मैंने इसको डाल दिया कितना, 2√xdx, ठीक है, तो 2 मैंने फेंक दिया बाहर, तो ये मेरा रह गया √xdx, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 से लेके 4 x की पावर 1/2 dx, बस इसके ऊपर आप लगा दो क्वेश्चन, x की पावर 3/2 1 से लेके 4 तक लिमिट, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया, बड़ा सिंपल सा, ठीक है, सॉल्व तो करना मतलब आपको आता ही होना चाहिए, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, 29/3 स्क्वायर यूनिट्स, देखो मैंने कैसे करें, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़े से और कर्व्स का एरिया उठाएंगे और उनको सॉल्व करना बताएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।